स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने वाक्य विचार भाग दो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने वाक्य विचार भाग वन समझा दिया था, पढ़ा दिया था, यह उसी का अंश है। इसके पहले मैंने वाक्य जो आठ भेद हैं उनमें मैंने चार भेद पढ़ा था और बाकी चार बाकी रह गए थे। आज आपको चार पढ़ना है और समझना है कि ये चार कौन से हैं और ये चार किस तरह के वाक्य होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवा आपका है इच्छावाचक वाक्य, तो नाम है इसका इच्छावाचक वाक्य। तो आप देख सकते हैं इच्छावाचक, इसमें कि आपकी इच्छा प्रकट होता है, वैसे वाक्य जिससे कि मन की इच्छा प्रकट हो, उस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन है, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसी को हम शुभकामना देते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी उम्र चिरायु हो, आप चिरायु हो, आपका जीवन सुखी हो, या होली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, तो हमारे मन की इच्छा होती है। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। उसके बाद आपका छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, तो नाम से मालूम होता है संदेह, जिस वाक्य से आपको संदेह प्रकट हो, मतलब कोई भी कार्य क्लियर आपको पता नहीं हो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्म कोई भी कार्य जिसमें ना हो, जिसमें संदेह प्रकट हो, शंका प्रकट हो, उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी तरह का संदेह व्यक्त हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब शक, जिस वाक्य में आपको शक प्रकट हो। शक का यहाँ पर तात्पर्य है कि हम पूरी तरह कन्फर्म नहीं होंगे कि वह काम हुआ ही हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मोहन विद्यालय गया होगा, अब देखिए ये जो वाक्य है मोहन विद्यालय गया होगा, अगर ये वाक्य होता मोहन विद्यालय गया, इसके साथ होगा नहीं होता, सीधे रहता कि मोहन विद्यालय गया, तो यहाँ पर ये कन्फर्म है मोहन विद्यालय गया, तो ये संदेहवाचक वाक्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये मोहन विद्यालय गया होगा, जब यहाँ पर होगा लग गया तो यहाँ पर दुविधा है, जा भी सकता है या तो फिर नहीं भी जा सकता है। इस सेंटेंस से यह मालूम होता है कि कन्फर्म नहीं है, बोलने वाला कन्फर्म नहीं है, बल्कि वह एक अंदाज लगा रहा है। तो इस तरह के वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। शायद आज वर्षा हो, आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए शायद आज वर्षा हो, तो ये किस तरह का वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, जहाँ पर हम कन्फर्म नहीं होते हैं वह काम हुआ ही होगा या वह काम होगा ही, जहाँ पर दुविधा की स्थिति होती है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। लगता है पिताजी चले गए, यहाँ पर भी लगता है का तात्पर्य क्या होगा कि हम दुविधा में हैं, संशय में हैं, संदेह में है, गए भी होंगे नहीं भी गए होंगे। तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद आपका सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करती है, संभावना में से होने पर, मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं
जो कि दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। अगर जो एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम भी नहीं होगा, मतलब दूसरा काम तभी होगा जब पहला काम होगा। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? संकेत वाचक वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करती है तो उसे संकेत वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, यदि तुम परिश्रम करते, और दूसरा है सफल हो जाते। अब यहाँ पर देखिए आप कि सफल हो जाते, सफल कब होते? जब तुम परिश्रम करते। तो यहाँ पर देखिए सफल होना जो है वाक्य वो परिश्रम करने पर निर्भर है। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। पहले वाला वाक्य होगा तभी दूसरा वाला वाक्य संपन्न होगा। वह गाएगा तब मैं नाचूंगा। अब देखिए इसमें भी दो वाक्य है, वह गाएगा तब मैं नाचूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैं नाचूंगा, कब नाचेगा वो? कब नाचूंगा? जब वह गाएगा। तो यहाँ पर भी नाचना गाने के ऊपर डिपेंड है, गाने के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह नहीं गाएगा तो वह नहीं नाचेगा, इसलिए यहाँ पर वह गाएगा तब मैं नाचूंगा। तो यहाँ पर भी पहले वाक्य पर ये दूसरा वाक्य निर्भर है। लाल बत्ती जलेगी तब गाड़ी रुकेगी। अब देखिए गाड़ी कब रुकेगी? जब लाल बत्ती जलेगी। तो यहाँ पर भी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है कोई वाक्य। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के होने पर निर्भर करता है तो उसे हम संकेत वाचक वाक्य कह सकते हैं। उसके बाद आपका है आठवां में विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय इत्यादि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा कितनी सुंदर तस्वीर है, शाबाश तूने कमाल कर दिया, हाय हाय मुखिया जी मारे गए इत्यादि। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय इत्यादि का बोध होता है। आप देख रहे हैं कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें कि आपका भाव व्यक्त होता है, जिससे वैसा वाक्य जिससे आपका भाव प्रकट हो। जैसे आहा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें खुशी प्रदान होती है, जब हमें खुशी होती है तब आहा का प्रयोग करते हैं। तो आहा का मतलब क्या हुआ कि हम खुश हैं और हमारी खुशी को प्रकट करता है। तो इस तरह का वाक्य हम इसमें आदि बोधक वाक्य कह सकते हैं। शाबाश तुमने कमाल कर दिया, जब कोई अच्छा खेलता है तो हम शाबाशी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो शाबाश जो शब्द है हमारी प्रसन्नता को प्रकट करता है, जो हमारे प्रसन्नता का भाव है उसे प्रकट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शाबाश तूने कमाल कर दिया कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य। हाय हाय मुखिया जी मारे गए, यहाँ पर देखिए मुखिया जी मारे गए हाय हाय। यहाँ पर हाय हाय जो शब्द है ये हमारे दुख को प्रकट करता है। जब हम दुखी होते हैं तभी हम हाय 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 का प्रयोग करते हैं। तो हाय हाय का प्रयोग दुख में होता है। तो हाय हाय जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं वे हमारे दुख को प्रकट करते हैं, वे हमारे दुख के भाव को प्रकट करते हैं। तो इस तरह के वाक्य जो कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय इत्यादि का बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये आपका समाप्त हो गया है वाक्य विचार। इसके आगे मैं आपको अभ्यास बनाने के लिए दूंगा, आप इसे फिर कर लेंगे, पूरी तरह याद कर लेंगे, अच्छी तरह याद कर लेंगे। धन्यवाद।